हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीति सक्सेना श्री मलुसिंह आदि कन्या कॉलेज से। बच्चों, वर्षागति का आर्थिक आधार यानी जीव विज्ञान में ट्वेल्थ में लेसन सिक्स था आपका वर्षागति का आर्थिक आधार, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको अनुवंशिक पदार्थ या अनुवंशिक कोट है, तो इतने टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृति। द्विगुणन डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियों को कहते हैं डीएनए। रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में आता है, एक टॉपिक आता है। आपको डीएनए का पूरा नाम पता है, डीएनए में ही है, मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो डीएनए जो है इसमें एक क्षमता होती है स्वद्विगुणन की, क्षमता होती है स्वद्विगुणन को कहते हैं सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। तो आपको बताऊंगी कि स्वद्विगुणन क्या होता है। आप देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारी का, जीवधारी जो होते हैं प्रत्येक, उनका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के द्वारा यानी सेल डिवीजन के द्वारा संपन्न होता है। तो आप देखेंगे कि कोशिका और जो हमारे जीवधारी हैं उनके बीच में उपस्थित एक जैविक अणु होते हैं जिनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इनमें से जो जैविक अणु जो मुख्य कार्य करता है, यानी जैविक अणु में से जो डीएनए अणु है वो जो है उसमें क्या क्षमता होती है, स्वद्विगुणन की यानी सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। तो डीएनए अणु जो होता है अपने जैसे ही समान या अपने जैसे ही डीएनए अणु का संश्लेषण करने की उसमें क्षमता होती है, तो इसे हम कहते हैं डीएनए का द्विगुणन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ फिर से, प्रत्येक जीवधारी में एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, पाया जाता है, या ऐसे कर सकते हैं, आपको समझाने में ओरल समझाते हैं तो आपको समझना है, और जब आपको आपके लिए बोलते हैं कि वीडियो से आपको नोट्स बनाए हैं तो आप इस तरह से, मैं आपको इसीलिए लिख के बताती हूँ जिससे आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं अपने नोटबुक पर। प्रत्येक जीवधारी में एक महत्वपूर्ण लक्षण पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है बच्चों। एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। कोशिका और जो हमारा जीव शरीर है उसके बीच में उपस्थित जो हमारे जैविक अणु होते हैं उनमें से जो डीएनए अणु होता है उसमें हमारी स्वद्विगुणन की यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। कोशिका और जीव शरीर या जीवधारी कह सकते हैं आप, जैविक अणु ठीक है, जैविक अणु में डीएनए अणु में किसकी क्षमता होती है बच्चों, स्वद्विगुणन की यानी सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। सेल्फ डुप्लीकेशन की ये क्षमता है जिसे हम कहते हैं डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृति, ठीक है, जिसे डीएनए की। एक और टॉपिक है बच्चों, इसमें एक और लाइन रह गई है जो मैं आपको पहले भी बताई है, जो ये क्षमता होती है यानी डीएनए अणु अपने जैसे डीएनए अणु का
संश्लेषण करता है, या संश्लेषण करने की इसमें क्षमता होती है, क्षमता होती है जिसे इसलिए इसे डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतियन ठीक है, या क्या कहते हैं बच्चों इसे डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है कहते हैं। इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया बच्चों कि प्रत्येक जीवधारी में एक महत्वपूर्ण लक्षण पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। कोशिका और जीव शरीर में उपस्थित जो हमारे जैविक अणु है उनमें से डीएनए अणु जो होता है स्वद्विगुणन यानी सेल्फ डुप्लीकेशन केस में क्षमता होती है और ये अपने जैसे ही समान डीएनए अणु का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है, इसलिए इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्षमता है बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन जो है यानी जो प्रतिकृतियन है ठीक है ये अर्धसंरक्षी क्या कहते हैं अर्धसंरक्षी विधि द्वारा किया जाता है ठीक है। अर्धसंरक्षी विधि को क्या कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव ठीक है, इसे कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन है जो डीएनए द्विगुणन जो है प्रतिकृतियन है वो अर्धसंरक्षी विधि द्वारा ही किया जाता है। अब बच्चों मैं बताती हूँ अर्धसंरक्षी विधि द्वारा किस तरह से करते हैं। इसमें क्या होता है जो डीएनए के दोनों रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होकर यानी एक दूसरे से अलग होकर अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जो ये अलग होने के बाद प्रत्येक रज्जुक जो होता है कोशिका में ऊपर से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी सहायता से ठीक है ना उनकी सहायता से वो और रज्जुक का निर्माण करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें से एक रज्जुक जो होता है वो डीएनए जनक कहलाता है तथा दूसरा जो डीएनए दूसरा जो रज्जुक होता है वो संश्लेषित हो जाता है। तो इस तरह से अर्धसंरक्षी विधि द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन विधि कंप्लीट होती है। यानी आप लिख सकते हैं कि स्वद्विगुणन था आपका सेल्फ रेप्लिकेशन, उसके बाद हमने आपको बताया था अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेशन ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है कि दोनों रज्जुक ठीक है दोनों जो रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं यानी अलग अलग पृथक होकर अपना अस्तित्व बनाते हैं बनाए रखते हैं ठीक है। प्रत्येक रज्जुक जो होता है प्रत्येक रज्जुक जो है कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से ठीक है अपने जैसे ऐसे भी कर सकते हैं अपने संपूरक
रज्जु का निर्माण करता है। ठीक है, इनमें से एक रज्जु, इनमें से एक रज्जु जो है जनक DNA, ओके, तथा दूसरा रज्जु क्या करेगा? संश्लेषित हो जाता है, संश्लेषण का निर्माण करता है या संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, तो यही अर्धसर्शी संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव विधि है। ठीक है बच्चों, तो यही जो विधि है वो सेमी कंजर्वेटिव विधि है। आप इसे हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है अर्धसर्शी विधि द्वारा किया जाता है, या अर्ध संरक्षी विधि द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आपको बता दिए बच्चों, हमारा डीएनए का डायग्राम आपको पता है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है। अब आपको क्या करना है कि जो हमारा डीएनए है, हमने आपको बताया है कि दो रज्जु, ठीक है, आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ओके, पृथक हो गई है तो ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं 5 डिस 3 डिस, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी डीएनए साइकिल है, डीएनए रज्जु है, हमने आपको बताया था दोनों रज्जु जो हैं आपस में पृथक होकर अपना अपना समन्वय या अपना अपना ये जो है अशुद्ध बनाए रखते हैं। तो अब देखते हैं कि बच्चों ये से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो आप देखते हैं क्या है हमारे बेस, ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थायमिन, थायमिन एडिनिन जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्षार हैं, हमारे जो इसमें बेस होते हैं। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडिनिन, एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अब यहाँ पे एडिनिन थायमिन मान लो, तो ये जो हमारे अलग अलग हो जाते हैं, तो ये जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से ये हो गया साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडिनिन, एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अगर ये अलग अलग हो जाते हैं बाद में, ये जो है अपना अपना लेकिन फिर भी अशुद्ध बनाए रखते हैं, यानी ये अपने आप से दूसरे से अलग नहीं होते, देखेंगे फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर से वही अलग अलग ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा अर्धसंरक्षी डीएनए का, डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन,
जो है हमारी अर्धसंरक्षी विधि द्वारा ही कंप्लीट होता है, यानी अर्धसंरक्षी विधि द्वारा ही कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका द्विगुणन क्या है ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक आपका यही खत्म होता है अर्धसंरक्षी विधि वाला। तो इतना टॉपिक आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है, या आपके ये जो चैप्टर बच्चों है इसके बोर्ड में 18 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। आप अच्छे से इसे समझिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिएगा, और इसके जो डायग्राम है किस तरह से इनको पृथक करके इनका अलग अलग निर्माण किया गया है और किस विधि से द्वारा और क्या इसका कार्य है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों।